पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। जलसा अब 8 सितंबर को होगा। आजम सवाती की चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान के हमरा अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा जलसे के लिए आने वाले काफिले वापस चले जाएं। इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी किया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को नया NOC जारी कर दिया। बोनाराज कनेक्टिविटी बहुत अहम मंसूबा है। बोनाराज पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर कौम मुंतकली का निज़ाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा मंसूबे से पाकिस्तान अरब मुल्कों में रकूम मुंतकली शफाफ हो सकेगी, आवाम को सहूलत और कारोबार फरोग पाएगा। मंसूबे से रकूम मुंतकली के गैर रिवायती चैलेंजेस का खात्मा होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। सिंध के साहिली इलाकों में चंद एक मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई। थरपारकर, मिट्टी, मीरपुर खास, उमरकोट, खैरपुर और बदीन में भी बारिश हो सकती है। पिंडी टेस्ट का दूसरा रोज मोहम्मद रिजवान की शानदार सेंचुरी, टेस्ट कैरियर की तीसरी सेंचुरी दाग दी। सऊद शकील की भी जिम्मेदाराना बैटिंग, 90 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। और एशियन मिक्स मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले आज होंगे। 6 पाकिस्तानी फाइटर्स रिंग में उतरेंगे, 3 खौतीन फाइटर्स भी शामिल। अब्दुल मन्नान, जिशान अकबर और शहाब अली ने हरीफों को शिकस्त देकर बैंस इवेंट के फाइनल में एंट्री दे दी। वेमेन सेमीफाइनल में कौमी फाइटर बानो बट ने फौलादी पंचेस से भारतीय हरीफ के जबड़े हिला दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।